महिलाएं सुरक्षित हैं भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार में जो भाजपा से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाओं की क्या बात की जाए। लखनऊ में जो हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है हजरतगंज, वहां तक दिन में लोगों को दौड़ा करके गोली मारी जा रही है और पूरे थाने एक तरह से बजरंग दल आरएसएस के लोग चला रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनके ऊपर खुद बहुत सारे संगीन मुकदमे रहे हैं। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले अपने ही मुकदमे हटाए, तो एक संकेत चला गया कि सरकार में अपराधियों का मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि जब कमांडर ही अपराधी है तो पुलिस भी एक गुंडागिरोह की तरह उसके लिए काम करेगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाल और अखिलेश यादव की मान लीजिए कि समझौता सा हो रहा है, वो छोटे छोटे गठबंधन से समझौता कर रहे हैं। देखिए अपराधी गिरोह है समाजवादी पार्टी, ये लोग चंबल के पुराने अपराधी रहे हैं। अपराधियों में मनमुटाव भी होता है, आपस में मारपीट भी होता है और फिर अपने बड़े जो आका होते हैं उनके कहने पे ये लोग फिर से यूनाइट भी हो जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि उसमें बहुत बात की जाए, वो अपराधियों का एक गिरोह है जो अपने इंटरेस्ट से आपस में कभी झगड़ा भी करता है और फिर एक भी हो जाता है। आजम खान साहब सीतापुर जेल में है। समाजवादी पार्टी जब आजम खान की नहीं हुई तो आम मुसलमानों की कैसी होगी, ये भी मुसलमानों के लिए एक सबक है आजम खान साहब का जेल जाना। दरअसल आजम खान कि हम लोग मुखालिफ रहे हैं लेकिन हम मानते हैं कि उनको सिर्फ इसलिए जेल भिजवाया गया ताकि राम गोपाल यादव जी को नोएडा प्राधिकरण घोटाले में बचाया जा सके, यानी समाजवादी पार्टी ने अपने ही एक मुस्लिम नेता को बलि का बकरा बनाया है और आज वो जेल में है, उनके पोस्टर्स तक गायब हो गए हैं। ये बताता है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों से वोट लेना तो जानती है, उनके साथ खड़ा होना नहीं जानती है और उनसे नफरत भी करती है। इतनी चिढ़ है अखिलेश यादव को मुसलमानों से कि जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का 100 वर्ष पूरा हुआ तो उन्होंने अपने ट्वीट में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बधाई दी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जब 100 साल पूरा हुआ तो उनके ट्वीट से मुस्लिम शब्द गायब था, सिर्फ अलीगढ़ विश्वविद्यालय उन्होंने लिखा। तो ये कोई किसी व्यक्ति पर ही नहीं पूरे एक समाज के प्रति उनकी कैसी सोच है इससे